आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। काकादेव थाने में कटी पीयूष की रात। आज कोर्ट में पेश होंगे पीयूष जैन। थाने के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। काकादेव थाने में कटी पीयूष की रात। आज कोर्ट में पेश होगा पीयूष जैन। थाने के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। काकादेव थाने में कटी पीयूष की रात। आज कोर्ट में पेश होंगे पीयूष जैन। थाने के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से, जहां कानपुर के काकादेव थाने में पीयूष ने पूरी रात गुजारी है। आज कोर्ट में पेशी होनी है पीयूष जैन की, और थाने के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। गुरगुरी ताल के शिलान्यास कार्यक्रम में पंचवटी उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी होगा। जनसभा को संबोधित करेंगी स्वाति सिंह। सरोजिनी नगर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। गुरगुरी ताल के शिलान्यास कार्यक्रम में जाएंगी राज्य मंत्री। पंचवटी उद्यान में वृक्षारोपण करेंगी स्वाति सिंह। जनसभा को संबोधित करेंगी स्वाति सिंह। सरोजिनी नगर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। गुरगुरी ताल के शिलान्यास कार्यक्रम में जाएंगी स्वाति सिंह। पंचवटी उद्यान में वृक्षारोपण करेंगी स्वाति सिंह। जनसभा को संबोधित करेंगी स्वाति सिंह। सरोजनी नगर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। गुरगुरी ताल के शिलान्यास कार्यक्रम में जाएंगी राज्य मंत्री। पंचवटी उद्यान में वृक्षारोपण करेंगी स्वाति सिंह। जनसभा को संबोधित करेंगी स्वाति सिंह। सरोजनी नगर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। गुरगुरी ताल के शिलान्यास कार्यक्रम में जाएंगी राज्य मंत्री। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचवटी उद्यान में वृक्षारोपण भी करेंगी। जनसभा को संबोधित करेंगी राज्य मंत्री स्वाति सिंह। सरोजनी नगर में कार्यक्रम का आयोजन। चंदौली में दिखा रफ्तार का कहर। बड़ी खबर सामने आ रही है चंदौली से, यात्रियों से भरी बस नेशनल हाईवे पर पलटी। करीब आधा दर्जन यात्रियों को आई गंभीर चोट। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला। बस का शीशा तोड़कर सभी को निकाला गया। रेवसा गांव के NH2 की घटना बताई जा रही। चंदौली में दिखा रफ्तार का कहर। यात्रियों से भरी बस नेशनल हाईवे पर पलटी। करीब आधा दर्जन यात्रियों को आई गंभीर चोट। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला। बस का शीशा तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया। अलीगढ़ के कोतवाली के रेवसा से ये खबर सामने आ रही है। और इस खबर पे मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं चंदौली से। अजीत, कैसे हुई ये पूरी घटना? मैम, आपको बता दें कि गाड़ी आ रही थी लगभग 4:30 बजे भोर में। घटना हुई है, झारखंड से आ रही थी गाड़ी, जिसके कारण से कम आधा दर्जन से ज्यादा अधिक लोग घायल हो चुके हैं। जी, कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है अजीत? वहाँ के स्थानीय पुलिस, अली नगर थाने के स्थानीय पुलिस वहाँ पहुंची, सारे लोगों को निकाल कर जिला अस्पताल पर लाई और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी तक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे। जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बीजेपी की ब्राह्मण कमेटी की बैठक खत्म हुई। कल धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर कमेटी बनी थी। शिव प्रताप शुक्ला कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्रजेश पाठक, सतीश द्विवेदी, महेश शर्मा मीटिंग में शामिल थे। सुनील बंसल, श्रीकांत शर्मा भी आज मीटिंग में थे शामिल। जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक।
यूपी बीजेपी की ब्राह्मण कमेटी की बैठक खत्म हुई। कल धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर कमेटी बनी थी, शिव प्रताप शुक्ला कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। ब्रजेश पाठक, सतीश द्विवेदी, महेश शर्मा मीटिंग में शामिल थे। कन्नौज में दिन दहाड़े दरोगा पर हुआ हमला, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ा। युवकों की तलाश के दौरान तमंचा हुआ बरामद, तीन युवकों के खिलाफ हुई कार्रवाई। मामला छिबरामऊ कोतवाली नगर का बताया जा रहा है, जहां कन्नौज में दिन दहाड़े दरोगा पर हुआ हमला। कन्नौज में पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी जारी, एसबीआई की टीम पहुंची पीयूष जैन के आवास। नोट गिनने के लिए 5 मशीनें भी पहुंची। कन्नौज में पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी जारी, एसबीआई की टीम पहुंची पीयूष जैन के आवास। नोट गिनने के लिए 5 मशीनें भी पहुंची। कन्नौज में पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी जारी। नोट गिनने के लिए 5 मशीनें भी पहुंची। पीयूष जैन के घर पर लगातार छापेमारी जारी। कन्नौज में पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी जारी, एसबीआई की टीम पहुंची पीयूष जैन के आवास। नोट गिनने के लिए पहुंची 5 मशीनें। कन्नौज में पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी। आपको बता दें कि कानपुर की में भी छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए बरामद हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी में तस्करों से हुई मुठभेड़, कस्टम ऑफिसर और तस्करों में हुई मुठभेड़। ऑफिसर ने दर्ज कराई शिकायत, नामजद तहरीर देने के बाद वापस ली शिकायत। इंडो नेपाल बॉर्डर पर जमकर हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी। लखीमपुर खीरी में तस्करों से हुई मुठभेड़, कस्टम ऑफिसर और तस्करों में हुई मुठभेड़। ऑफिसर ने दर्ज कराई शिकायत, नामजद तहरीर देने के बाद वापस ली शिकायत। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर जमकर नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है और इसी दौरान तस्कर और अधिकारियों के बीच मुठभेड़ हो गई। लखीमपुर खीरी से मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तस्करों के साथ ऑफिसर की मुठभेड़ हो गई। इस खबर पर हमारे संवाददाता धीरज तिवारी जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि तस्करी हो रही है और मुठभेड़ की खबर इस बार क्या पहली बार सामने आई है? देखिए, बिल्कुल बता दूं, पलिया नेपाल जो बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर है लखीमपुर के बगल में, नेपाल बॉर्डर, जहाँ पर हमेशा से खबरें आती रही है कि यहाँ पर बराबर तस्करी हो रही है कई मादक पदार्थों की। कल फिर ऐसा ही मामला सामने आया, जहाँ पर जो है सशस्त्र सीमा बल और कस्टम ऑफिसरों से जो है तस्करों की मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें हाथापाई भी हुई है, सरकारी गाड़ी भी टूटी है। उसके बाद में जो कस्टम ऑफिसर थे, उन्होंने पलिया कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज कराई थी अपनी तहरीर देकर। उसके बाद में जो है, अब सूत्रों से खबर मिल रही है कि कस्टम ऑफिसर के द्वारा जो है वो तहरीर वापस ली गई, तो कहीं ना कहीं पे प्रशासन जो है कहीं ना कहीं पे दबाव में है। जी धीरज, हम ये जानना चाहेंगे कि कस्टम ऑफिसर को इन तस्करों के बारे में जानकारी कैसे मिली, क्या गुप्त सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी जिसके बाद इस तस्करी को रोका गया और इन्हें गिरफ्तार किया गया? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पे जो सूचना मिली कि जो है माल जो है भेजा जा रहा है नेपाल, वहाँ पर कस्टम ऑफिसर जो पहुंचे सूचना पर, उसके बाद में जो है जो तस्कर हैं उनसे हाथापाई भी कहा सुनी, उसके बाद में जो है हाथापाई भी हुई है, एक सरकारी गाड़ी जो है वो भी टूटी हुई है, एक कस्टम होमगार्ड के चोटें भी आई हैं। उसके बाद में जो है पलिया को सुनिए, तहरीर देने के बाद में तहरीर जब वापसी लिएगा, तो कहीं ना कहीं पे सवाल जरूर उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज तिवारी जुड़े थे।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।